नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं हूं आपके साथ अरुण राठी। कोरोना महामारी ने देश में संकट खड़ा कर दिया है। चाहे गरीब, मजदूर, किसान या व्यापारी, कोई भी तबका रहा हो, सभी के सामने रोजगार को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री स्वावलंबी बनने की बात करते हैं। इस बेरोजगारी के बीच भाजपा सरकार गरीब, मजदूर, किसानों के लिए क्या नई योजना लेकर आ रही है, इनको रोजगार के किस प्रकार से साधन मुहैया करा रही है, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बड़ौद विधानसभा से विधायक कृष्ण पाल मलिक जी। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विधायक जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान आपका क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? हमारा लगातार संपर्क रहा है। कुछ तो बीच में आपकी जानकारी में होगा, कुछ दौर अपना ऐसा चला जिसमें लोग बहुत भयभीत थे। न वो हमें चाहते थे कि हम उनके घर पहुँचे, न कोई इस माहौल में चाहता था कि वे किसी के घर पहुँचें। पर उन दिनों भी हमने टेलीफोन संपर्क लगातार अपने पदाधिकारियों से लेकर और आम मतदाता तक या आम आदमी तक हमने संपर्क करने का प्रयास किया। जहाँ जहाँ तक उन्हें जिस तरह की भी ज़रूरत पड़ी, चाहे वो पानी की पड़ी, राशन की पड़ी या अन्य कोई ज़रूरत पड़ी, दवाइयों की पड़ी, उसमें हम उनके मददगार साबित हुए। विधायक जी, जिस प्रकार मोदी जी कहते हैं कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन क्षेत्र की जनता को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, क्या उपाय सोच रखे हैं? आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैसे कि सभी अपने गांव की तरफ मजबूरन पलायन कर गए, उनको तरह तरह के जो भी जिस विषय पर संपर्क कर सकता हो, जैसा कि कोई किसान है, उसको कहा गया कि वे अपने इस संबंधित मजदूर का ख्याल रखें, कहीं कठिनाई आवे, ज़रूरत पड़े तो हम आपके मददगार हैं। कोई उद्योगपति है, उसे कहा गया भई आप इसको निकालना मत, ज़रूरत पड़ी तो इसकी मदद करना। अगर कहीं कोई किराएदार के रूप में रह रहा है, कोई मजदूर या कोई इस तरह का ज़रूरतमंद भाई, उस मकान मालिक को कहा गया भाई आप 3 महीने या 4 महीने, इतने ही संकट का दौर है, आप इससे किराया मत लेना और इसकी मदद करना। इस रूप में सब कोई अपने तरीके से सब मदद करने पर उतारू है। विधायक जी, जिस प्रकार से जनपद बागपत में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा मरीज बड़ौद से आ रहे हैं, आपके विधानसभा से आ रहे हैं, क्या कोई तैयारी हम ऐसी कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा क्या एहतियात हम बरत सकते हैं कि जिस प्रकार से इन बढ़ते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों पर अंकुश लगाया जा सके? इसमें सबसे पहले तो मेरा यही सुझाव है, हमें स्वयं ही को सावधानी बरतनी पड़ेगी। सरकार, आप, मैं, दूसरे लोग तो केवल मदद कर सकते हैं और मदद की भी जब नौबत आएगी, जब हमें पता लगेगा कि फला आदमी संकट में, उससे पहले हम संकट में ना आएं। कोई हमारा मजदूर भाई या ज़रूरतमंद व्यापारी भाई, किसान भाई, कोई संकट की तरफ ना बढ़े तो ये उस किसान को, उस मजदूर को, उस व्यापारी को या आम आदमी को, हर किसी को स्वयं में ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो सरकार के बताए हुए रास्ते पर चलें, डॉक्टर्स की सलाह मानने का काम करें, जैसे कि अपने हाथ साफ करना, समान दूरी बनाए रखना और जो भी इस तरह की हिदायत दी गई डॉक्टर्स की तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, हम उसका ख्याल रखते हुए स्वयं पे ही सावधानी बरतेंगे तो इस महामारी से हम बच पाएंगे। विधायक जी, जिस प्रकार आपने बताया अभी कि जो भाई या कोई किसान या व्यापारी संकट में होगा तो आप उसकी मदद करेंगे, क्या विधायक जी कोई नंबर आपने अपनी तरफ से स्पेशल सार्वजनिक किया हुआ है कि आपसे संपर्क किया जा सके? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, 32 साल के इस दौर में मैंने कोई नंबर नहीं बदला। लगातार हमारे पैड पे, विजिटिंग कार्ड पे, शासन से छपने वाली डायरी पे, सब जगह 2 नंबर हैं, उन वे नंबर दिए गए हैं वो। और मैं 2-3 वर्ष का तो विधायक हूँ नहीं, मैं तो लंबे अरसे से 1988 में नगर पालिका में चुनाव जीत कर गया, आज 32 साल से
लगातार संपर्क में हूँ, इसलिए स्वतः ही इतने नंबर हैं लोगों के पास। और एक मैं और जानकारी देना चाहूँगा, आप यहाँ के नंबर की बात कर रहे हो, यहाँ तो पूरे देश के नंबर से मेरे पे टेलीफोन आए। एक दौर चला था जिसमें जो अन्य प्रदेशों में हमारे यहाँ की जनता फंसी हुई थी, लोग फंसे हुए थे, स्टूडेंट फंसे हुए थे, हमने एक आपके लोगों के माध्यम से प्रचार और प्रसार किया, उनमें किसी को भी हमारी मदद की ज़रूरत पड़े, हम रात दिन जब भी आप उचित समझें हम उस समय भी तत्पर हैं, उसी समय हम आपके लिए खड़े हैं जब भी आप हमारी ज़रूरत समझेंगे। जी बिल्कुल। तो करीबन 700 चिट्ठियां हमने अन्य प्रदेश में लिखी, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखी, वहाँ के नोडल अधिकारी को लिखी, और उसका बहुत बड़ा लाभ भी मिला। बहुत सारे लाभार्थियों ने हमें धन्यवाद किया, लिखित धन्यवाद किया, फेसबुक के माध्यम से धन्यवाद किया, और जब वे बड़ौद के कुछ बच्चे आ गए तो उन्होंने घर पर आके धन्यवाद किया, अखबार आपने हमारी बहुत जी बिल्कुल। जो व्यापारी मजदूर जो आपके विधानसभा से बाहर नौकरी कर रहे थे और लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रियां कंपनियां बंद हो गई, तो वो आपके सहयोग से बागपत में लौटे हैं, तो इसका तो बिल्कुल धन्यवाद बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा विधायक जी, और इसके अलावा भी मैं व्यक्तिगत तौर से जो मदद कर सकूँ वहाँ करूँगा, और वो अगर मैं इसमें असमर्थ हूँगा तो शासन से प्रशासन से निवेदन करके उनकी मदद कराने का काम करूँगा, ये मैं लगातार इसके लिए उनके साथ खड़ा। जी बिल्कुल। अच्छा विधायक जी, इस समय जनता बेहद मंदी के दौर से गुजर रही है, कोरोना ने लोगों के भविष्य की सभी संभावनाओं को धूमिल कर दिया है, ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए थी ताकि इस संकट से उबर सके? हाँ, संकट के इस वक्त में जो आर्थिक संकट बहुत बड़ा खड़ा है सभी लोगों के सामने, तो उसके लिए वे अपने खर्चे पे कंट्रोल करें, अपने कुछ आदतों पे कंट्रोल करें। आदतों से मेरा मतलब है, कई बार आदमी हम कहेंगे कि चलो घूमने चलते हैं, कई बार कहेंगे कि चलो हम चाउमीन खाने चलते हैं, मैगी खाने चलते हैं, इस तरह के हम खर्चे फालतू के खर्चे पे कंट्रोल करके अपने घर चलाने का काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाने की और शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था का काम देखना प्राथमिकता पर रखें, ये मेरा सुझाव है जी। अच्छा विधायक जी, मैं एक आपसे पर्सनल सवाल करना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले आपको एक धमकी मिली थी। हाँ, क्या क्या धमकी थी विधायक जी, और क्या उद्देश्य था उसका, क्या मामला था वो, पूरा बताएंगे हमारे दर्शकों को आप? अच्छा, मैं तो समझ तो मैं भी नहीं पाया, पर जिसने ये धमकी दी है उस धमकी ने कैसे, वो जातीय वजह से धमकी दी है, कैसे धमकी दी है, उसकी वजह तो मैं भी नहीं जान पाया उसमें, क्योंकि मेरी उसकी कोई रंजिश तो थी नहीं। पर यह ज़रूर है कि वो बहुत बड़ा सातिर है, वो कई बार जेल गया है, उसके बच्चे जेल में गए हैं, उन्होंने एक पड़ोस के लड़के की हत्या की है, और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को भी अपने के ध्यान होगा। अब पिछले दिनों यहाँ से तत्कालीन जो CO थे उन्हें भी इस बात की धमकी दी थी, टुकड़े टुकड़े करने की, उन्होंने मार देने की धमकी दी थी। एक इंस्पेक्टर के खिलाफ भी उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, कई बार अपने मुख्यमंत्री और बाकी लोगों के प्रति भी उसने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो वो बड़ा सातिर है। विधायक जी, ये सोचने वाली बात है कि मान के चलिए क्षेत्र के माननीय विधायक जी, अभी आपने बताया पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को, मुख्यमंत्री तक को धमकी दी जा रही है, तो फिर इस आज के समय में आम जनता का क्या हाल होगा, आम जनता के अंदर कितना डर होगा विधायक जी? नहीं नहीं जब ये पुलिस प्रशासन और हमारी भी जानकारी में आया, पता चला, तो पुलिस ने तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई कर ली, जेल भेजने का काम किया उसको। अच्छा विधायक जी, आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ, ये महामारी के दौर में, इस संकट के दौर में वो संयम बरते, अफवाहों से दूर रहे, केवल केवल अपने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवा और अपने व्यक्तिगत कामों में लीन रहें, न कि ये कई बार कुछ अफवाहों का दौर चलता है ऐसे वक्त में, उससे दूर और बच के रहें, ये मैं संदेश देना। शुक्रिया विधायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोरोना से जुड़े हुए तमाम सवालों पर हमारे दर्शकों को सुझाव देने के लिए। अभी हमारे साथ जुड़े थे जनपद बागपत के बड़ौत विधानसभा से विधायक कृष्ण पाल मलिक जी।